नमस्कार दोस्तों, न्यूज 24 HR में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव में पीएम मोदी की कड़ी परीक्षा, राम मंदिर शिलान्यास, कोरोना महामारी के बाद पहला मतदान, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अहम सवालों का जवाब देंगे। मसलन, चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा कोरोना महामारी से निपटने हाल ही में संसद से पारित कृषि और श्रम क्षेत्र के जुड़े विधेयकों पर देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जाहिर तौर पर नतीजे बताएंगे कि इन अहम मुद्दों पर जनादेश किसके साथ है। दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव का अहम मुद्दा महामारी है। लॉकडाउन के बीच ही लाखों प्रवासी मजदूरों ने अमानवीय स्थिति में पलायन किया। पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा बिहार के मजदूरों की थी। महामारी के निपटने के केंद्र के तरीकों पर मोदी सरकार के साथ बिहार सरकार भी निशाने पर रही। विपक्ष केंद्र पर बेहतर प्रबंध न कर पाने का लगातार आरोप लगा रहा है। अभी कृषि विधेयक देशव्यापी बहस का मुद्दा बने हैं। राज्यसभा में विधेयकों को पारित कराने के दौरान हंगामा और देश में किसानों की ओर से शुरू किए गए आंदोलन ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। अब नतीजे बताएंगे किसके साथ जनादेश है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद जिन 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां भाजपा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में पार्टी के वोट में 22% तक गिरावट दर्ज की गई। वहीं हरियाणा में गठबंधन की सरकार है तो महाराष्ट्र और झारखंड की सत्ता भी गंवानी पड़ी। दिल्ली में तमाम कोशिशों के बावजूद आप पार्टी से चुनौती पेश नहीं कर पाई। अब बिहार के रूप में भाजपा की 5वीं चुनौती है और पार्टी को साबित करना होगा कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी उनका जलवा बरकरार रहे। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए न्यूज 24 HR। धन्यवाद।